हम तो बढ़िया है, भूख लगी। आज प्रथम दिवस की प्रश्नोत्तरी चर्चा हम शुरू करते हैं। रोज रात्रि में 9:15 से 10 बजे तक यहीं मिलेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए प्रश्नोत्तरी चर्चा में आपको निजी प्रश्न नहीं करना है। निजी का मतलब स्वयं के नहीं, के पेट पर आ, सिर पर आ, पड़ोसी पर आ, पड़ोसी दर्द कर, बाई मंदर कर, ये नहीं पूछना है। अध्यात्म संबंधी आपका कोई विषय है, पूजा से संबंधित, पाठ से संबंधित, रीतियों से संबंधित, मान्यताओं से संबंधित, राम कथा से संबंधित, जितनी भी हमें गुरु कृपा है, हम ये नहीं कहते कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। जो भी गुरु कृपा है, हम आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। बाकी दरबार की चर्चा 20 और 21 तारीख को बिना टोकन नंबर का दिव्य दरबार रायपुर में लगना है। 20 और 21 बोले तो परसों प्रातः काल लगेगा। जिनकी अर्जी लग जाएगी सो ठीक, ना लगे तो 21 तारीख को सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। घर बैठे ही आप बागेश्वर बालाजी की कृपा और पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की कृपा को पा पाएंगे। हमने तो सुना है, अनुभव किया, कबन सुकाज जो नहीं हो, ऐसा कोई काम कठिन नहीं है जो हनुमान जी ना कर पाए। आप उनको निष्ठा पूर्वक मानो। बागेश्वर बालाजी ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, आपकी भी बनाएंगे। सबकी झोली को उन्होंने भरा, आपकी भी भरेंगे। बस देखो भाई, शरीर में सूजन हो तो डॉक्टर दबा देता है, दबा के साथ साथ परहेज भी बता देता, भाई घटा मत खाना, मठा मत खाना, चावल मत खाना। अब तुम दबा तो खाओ, लेकिन मठा भटा भी दबा के खाओ, क्या दबा असर करेगी? बोलो बोलो, नहीं करेगी। फिर तुम कहो कि डॉक्टर खराब है, कुछ नहीं भैया, ठन ठन गोपाला है, दबा बेअसर हो गई। उसी प्रकार हम आपको औषधि के रूप में बागेश्वर बालाजी का बीज मंत्र बता देंगे। बैठ जाओ शांत। नियम है, लहसुन प्याज बंद रखना, वाह, बीच बीच में महीने में, 2 महीने में 5 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना, घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना। और आप ये नियम न कर पाओ फिर कहो महाराज नारियल तो 20 रुपया को बांध दो, कछु ना हो। तो हमें अपने इष्ट पर, अपने गुरुदेव पर भरोसा है। जैसे उन्होंने हमारी लाज रखी, हमारे जैसे नालायक को लायक बनाया बोलने के, आपकी जिंदगी में भी बागेश्वर बालाजी वैसी ही कृपा करें। एक बात, आज का सूत्र, आज के बाद या तो आप लोग गुरु को मानना छोड़ देना अथवा गुरु पर सब कुछ छोड़ देना। क्या? या तो गुरु को मानना छोड़ो या गुरु पर सब कुछ छोड़ो, या तो हनुमान जी को मानना छोड़ो या हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ो। कलयुग के राजा सिर्फ और सिर्फ कौन है? हनुमान जी महाराज, हनुमान जी हैं। और देवता, बैठ जाओ ना आप लोग, खड़े क्यों बैठो? हनुमत से और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख देते हैं। संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो आपको बालाजी से प्राप्त ना हो। चलो प्रश्नोत्तरी की चर्चा बिना विलंब किए शुरू करते हैं। निजी प्रश्न मत पूछना, आपके पास माइक पहुंचेगा, बैठे बैठे आपको हाथ खड़ा करना है और फिर उसके बाद में आपके पास माइक पहुंचेगा। आपका जो भी प्रश्न हो गंभीरता से सुनना, यह तो संतुष्टता समझ में ना आए तो बताना, हम कोशिश आपको करें। तो
बैठे बैठे आप हाथ खड़ा करिएगा जिनके भी एनी क्वेश्चन। हाँ जी, माइक कौन लिए? दो लोग ले लो, एक माताओं में एक पुरुषों में। पहले माता जी उनका नंबर लगना चाहिए, जो माता जी हाथ खड़ा की उनको दे दीजिए, बहन जी को। फिर उसके बाद पुरुषों में, लाला तू खड़ा हो जा, तब तक उस तक माइक भेज दो दूसरा। जय श्री राम। जय श्री राम बहन। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरु जी मेरे को ये प्रश्न है, तो हम लड़के लोग कैसे हनुमान जी को पूजा करेंगे? उनको तो छू नहीं सकते। क्या नाम है आपका बहन? सुजाता है, उड़ीसा से। ओ, कथा सुनने आए? हाँ जी, मैं दमोह भी गई थी। दमोह मध्य प्रदेश से? हाँ। जय हो बहन। आपसे भी बात हुई थी, लेकिन बात हो गई थी, थोड़ा बहुत हुई थी। नहीं, कैसी बात भाई, थोड़ा बहुत नहीं। आप यहाँ पर बोलते हैं ना खुद का प्रश्न? हाँ, निजी नहीं पूछना। अच्छा, तो मतलब ऐसी बात किए थे आप? तो मेरे को ये प्रश्न आप बता दीजिए, हनुमान जी की पूजा चोला नहीं चढ़ाना चाहिए? चोला चढ़ाने का वर्णन और नियम यज्ञोपवीत धारी को है, चोला मतलब सिंदूर। और श्री हनुमान जी को स्पर्श तो वैसे किसी को नहीं करना चाहिए, दूर से ही, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री। कई लोग क्या करते हैं, हनुमान जी का सिंदूर लगा लेते हैं मस्तक पर। उनका तेज हमारे जैसा अपवित्र शरीर नहीं सह सकता है, तो किसी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके सन्मुख बगल में खड़े होकर के राम नाम जप करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, अमुक पुजारी जो हनुमान जी के मंदिर के हों उनको फल, श्रीफल अथवा फूल माला दे दें। और प्रतिदिन अपने उपासक हनुमान जी रख सकते हो, और पवित्र दिनों में भाई रूप में, पिता रूप में स्त्रियां भी श्री हनुमान जी की सेवा कर सकती है। गुरु जी मेरे को जब से मैं आपका देख रही हूँ, आपको सुन रही हूँ, तो आपके पीछे पीछे तो भागती रहती हूँ, लेकिन नागपुर मुझसे दूर भा, मैं जा नहीं पाई हूँ वहाँ। फिर मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है, जैसे कि फैमिली में, जैसे कि बहुत, मैं तो बता नहीं पाऊंगी, वो हनुमान जी को भी नहीं पता होगा वो सब मेरी परेशानी। बालाजी करें, आपकी अर्जी लग जाए। गुरु जी मेरे को ना वो, मैं SI का तैयारी कर रही हूँ। आप करो हमारी शुभकामना, सन्यासी बाबा के नाम की आहुति प्रारंभ कर दो, जय जय हो जाएगी। आहुति का कैसा? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न। आहुति का मतलब हवन। अग्नि में तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर से मिश्रित हवन सामग्री तैयार करके अग्नि लगा कर रख कर ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, इस मंत्र की 5 बार आहुति दीजिए, बागेश्वर बालाजी की सेना आपके घर पर पहुंच जाएगी। काम भी सफल होगा, पर्चा बने या ना बने, ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र के जाप से और